दिल्ली के अंदर मैं बता रहा हूँ, दिल्ली का आप कोई मंत्री नहीं है। अच्छा, वो सब रिपोर्टर बन चुके हैं। आप देखिए दिल्ली की पानी मंत्री, ठीक है, और दिल्ली के सभी बिजली मंत्री, जल मंत्री हैं, ठीक है। अच्छा। ये केवल रिपोर्टिंग करते हैं, बताते हैं, देखिए यहाँ पर ये हो गया, यहाँ पर वो हो गया, यहाँ पर ये हो गया, वहाँ पर वो हो गया, बस केवल और केवल यही करते हैं। और उनकी सारी की सारी बहानेबाजी चलती है। जब इनकी सरकार पंजाब में नहीं थी तब कहते थे कि भैया पंजाब जो है प्रदूषण का कारण बना हुआ है दिल्ली का। अच्छा। अब जब इनकी सरकार हरियाणा में नहीं है तो कह रहे हैं कि भैया हरियाणा की वजह से दिल्ली के अंदर जल संकट आ रखा है। अरे आप ये बताओ कि दिल्ली के अंदर जो सारा टैंकर माफिया है उसका क्या करा आपने? जब आपको सारा कुछ पता है कि भैया दिल्ली के अंदर कहते हैं इतनी हीट वेव्स पड़ने वाली हैं, तो आपने उसके लिए व्यवस्था पहले से बनाकर क्यों नहीं रखी है? ठीक है, आप देखिए, मुझे तो ये लगता है कि दिल्ली में जो पानी संकट आया हुआ है, ये भी संकट जो है केवल और केवल भारत, जो ये सारे दिल्ली के आम आदमी पार्टी के जो विधायक हैं और जिनके नेता हैं, उनके कारण हुआ होगा। ये महिला को कुछ 1000 रुपये देते हैं, बल्कि उल्टा उनका प्रताड़ना करते हैं। बलकार सिंह जो कि आम आदमी पार्टी का MLA है पंजाब सरकार में और मंत्री भी है, उसने किस प्रकार से एक महिला का जो है शोषण करा जो रोजगार देने के लिए। तो ऐसे तो ये नीच लोग हैं। केवल बलकार सिंह ही नहीं, आम आदमी पार्टी का पंजाब सरकार में, उसके अलावा और भी बहुत अलग अलग मंत्री हैं जो करप्शन में पकड़े जाते हैं, ठीक है, और जो महिला के साथ शोषण करने में पकड़े जाते हैं। आप ये छोड़ दीजिए, दिल्ली के अंदर स्वयं मुख्यमंत्री के घर में होते हुए भी एक महिला के साथ शोषण होता है। नमस्कार, मेरा नाम कुमार शिवम है और आप लोग खबरबाइट देखना शुरू कर चुके हैं। जिस तरीके से दिल्ली में पानी की समस्या देखा जा रहा है, कुछ युवा है जानने का कोशिश करेंगे कि आखिरकार क्यों जो है इस तरीके का समस्या आ रहा है और कैसे जो है इसका समाधान किया जा सकता था, कौन सी वो सरकार से चूक है जानने की कोशिश की। क्या नाम है? रौनक मालाकार नाम है भाई साहब। रौनक जी, जी कहाँ से आते हैं रौनक जी? देखिए मैं दिल्ली में रहता हूँ, ठीक अच्छा। है, और डिस्ट्रिक्ट नहीं बताना चाहूँगा थोड़ा सिक्योरिटी पर्पज से, ठीक हाँ। है, जैसे कि आपने कहा कि दिल्ली में जो समस्याएं चल रही हैं, ठीक है, हाँ। चाहे पानी की समस्या हो, चाहे बिजली की समस्या हो, ठीक है, चाहे प्रदूषण समस्या हो और भिन्न भिन्न प्रकार की समस्या हो, बिल्कुल दिल्ली के अंदर मैं बता रहा हूँ, दिल्ली का अब कोई मंत्री नहीं है। अच्छा। वो सब रिपोर्टर बन चुके हैं। आप देखिए दिल्ली की पानी मंत्री, ठीक है, और दिल्ली के सभी बिजली मंत्री, जल मंत्री हैं, ठीक है। अच्छा। ये केवल रिपोर्टिंग करते हैं, बताते हैं, देखिए यहाँ पर ये हो गया, यहाँ पर वो हो गया, यहाँ पर ये हो गया, वहाँ पर वो हो गया, बस केवल और केवल यही करते हैं। और उनकी सारी की सारी बहानेबाजी चलती है। जब इनकी सरकार पंजाब में नहीं थी तब कहते थे कि भैया पंजाब जो है प्रदूषण का कारण बना हुआ है दिल्ली का। अब जब इनकी सरकार हरियाणा में नहीं है तो कह रहे हैं कि भैया हरियाणा की वजह से दिल्ली के अंदर जल संकट आ रखा है। अरे आप ये बताओ कि दिल्ली के अंदर जो सारा टैंकर माफिया है उसका क्या करा आपने? जब आपको सारा कुछ पता है कि भैया दिल्ली के अंदर कहते हैं इतनी हीट वेव्स पड़ने वाली हैं, तो आपने उसके लिए व्यवस्था पहले से बनाकर क्यों नहीं रखी है? ठीक है, आप देखिए, मुझे तो ये लगता है कि दिल्ली में जो पानी संकट आया हुआ है, ये भी संकट जो है केवल और केवल भारत, जो ये सारे दिल्ली के आम आदमी पार्टी के जो विधायक हैं और जिनके नेता हैं, उनके कारण हुआ होगा। मैं ऐसा कैसे कह रहा हूँ? मेरी फीडी दे रहा है, आप आम आदमी के नेता पर सवाल उठा रहे हैं। देखिए बिल्कुल उठाऊंगा मैं। जिस प्रकार से कोरोना काल में इन्हीं का एक विधायक इमरान हुसैन, उसने ऑक्सीजन की होर्डिंग कर ली थी, और जिस वजह से दिल्ली की जनता को आम आदमी पार्टी ने पूरे षड्यंत्र से मारा था, पूरी मौत की साजिश कर ली थी अरविंद केजरीवाल और पूरे आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की जनता को मारने की, ठीक है। किस प्रकार से उन्होंने अपने MLA को कहा इमरान हुसैन को, भैया दिल्ली की सारी ऑक्सीजन अपने घर रख ले और दिल्ली की जनता को मरने दे, ऐसा अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ने पूरे से अब साफ सटाक जो है उन्होंने ऑर्डर ऐसे दिए होंगे। और क्योंकि हमारे पास ऐसे पीछे के उदाहरण भी मिलते हैं और वर्तमान के मिलते हैं, हाँ। आप देखिए पूरी आम आदमी पार्टी और पूरी दिल्ली की सरकार, पंजाब की सरकार भी, ये सारे महिला विरोधी भी हैं। किस प्रकार से बलकार सिंह जो कि आम आदमी पार्टी की महिला को 1000 रुपये देने का वादा किए थे, याद नहीं है? ये महिला को कुछ 1000 रुपये देते हैं, बल्कि उल्टा उनका प्रताड़ना करते हैं। अच्छा। बलकार सिंह जो कि आम आदमी पार्टी का MLA है पंजाब सरकार में और मंत्री भी है, उसने किस प्रकार से एक महिला का जो है शोषण करा जो रोजगार देने के लिए। तो ऐसे तो ये नीच लोग हैं। केवल बलकार सिंह ही नहीं, आम आदमी पार्टी का पंजाब सरकार में, उसके अलावा और भी बहुत अलग अलग मंत्री हैं जो करप्शन में पकड़े जाते हैं, ठीक है, और जो महिला के साथ शोषण करने में पकड़े जाते हैं। आप ये छोड़ दीजिए, दिल्ली के अंदर स्वयं मुख्यमंत्री के घर में होते हुए भी एक महिला के साथ शोषण होता है। वो महिला वो थी जो राज्यसभा की सांसद है, उसके साथ जब ऐसा हो जाता है तो आप समझिए कि एक आम महिला के साथ क्या ही होता होगा। मुझे तो ये भी लगता है कि अरविंद केजरीवाल जी अपनी पत्नी को भी घर में इसी प्रकार से मारते होंगे और वो बेचारी कुछ कह नहीं पाती होंगी। तो मैं उनको आश्वासन देना चाहूंगा कि अगर केजरीवाल जी आपके साथ ऐसा करते हैं, सुनीता केजरीवाल जी, तो आप दिल्ली की जनता को बताइए, दिल्ली की जनता आपके साथ है। मुझे तो यही लग रहा है कि पूरा डोमेस्टिक वायलेंस अरविंद केजरीवाल अपने घर में करते होंगे। और ये लोग इस प्रकार से महिला विरोधी हैं, इन्होंने अभी तक किसी भी महिला को दिल्ली के अंदर 1000 रुपये नहीं दिए, सारे झूठे वादे ना पंजाब में दिए ना दिल्ली में दिए। तो आखिरकार ये सब कर क्या रहे हैं भाई साहब?
सर, कहा जाता है आम आदमी के मंत्री पर आप इस तरीके के सवाल उठा रहे हैं, कुछ सोचना पड़ेगा आपको। देखिए, सोचूंगा मैं तब ना कि भैया इन्होंने कोई अच्छा कार्य करा हो। हाँ। जब मैं तब सोचूंगा ना कि जब इनके पास पैसे की कमी हो और तब ये बोलें कि हमारे पास कुछ करने का क्षमता हाँ। नहीं है। दिल्ली का बजट पूरा 78,000 करोड़ का है, ठीक है, हर साल बजट आता रहता है, तो उसका सारा पैसा जाता कहाँ है? ठीक है, सारा पैसा ये लोग जाते हैं करप्शन में, सारा पैसा ये लोग घूसखोरी में रह जाते हैं। ठीक है, ना दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था अच्छी हो रखी है, ना स्वास्थ्य व्यवस्था अच्छी हो रखी है, ना बिजली ठीक से आती है, ना पानी ठीक से आ रहा है, और पानी आता भी तो पानी इतना गंदा आता है, इतनी बदबू आती है कि मानिए उसको पीने के बाद दिल्ली का व्यक्ति एक बीमार पड़ जाता है। ये जो आप दिल्ली पर उठाइए, सिर्फ दिल्ली का बात नहीं है, पूरा केंद्र का जो मेन पॉइंट है वो है। देखिए, वही तो कह रहा हूँ, दिल्ली जल बोर्ड दिल्ली सरकार के अंडर आता है। हाँ। ठीक है, उनको पूरा पैसा मिला हुआ है। अच्छा। ठीक है, उसके बावजूद अभी सुविधा नहीं दे पा रहे, तो आप इस्तीफा दो और साइड हटो, हमको आपके बहानेबाजी वो नहीं सुनना है। आप हमारे पास जो है पूरा भारतवर्ष में, पूरे दिल्ली में बहुत सारे रिपोर्टर हैं, और आप रिपोर्टिंग करते हो मुझे नहीं दिखना चाहिए, आप समस्या का समाधान करते हो दिखो। टैंकर माफिया के साथ आपने क्या करा? कुछ नहीं करा। दिल्ली में जो इतना पानी का वेस्टेज होता है उसके लिए आप क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं कर रहे हैं। आप ये देखिए, आतिशी के घर में तो पानी आ रहा है, उनके घर में तो बिजली आ रही है। भैया, तो हरियाणा में बीजेपी की सरकार है, बैन कर देगा तो कहां से पानी आएगा? अच्छा, तो हाँ। मतलब अगर बीजेपी सरकार है, भाजपा पानी नहीं दे रही है, हाँ। तो दिल्ली के मंत्रियों के घर में और विधायकों के घर में पानी कहां से आ रहा है? हाँ। दिल्ली की जनता के घर में पानी क्यों नहीं आ रहा? अच्छा, उनमें सब मंत्रियों के घर में से विधायकों के घर में पानी आ रहा है। ठीक है, मैं तो कहूंगा दिल्ली की जनता की जाके इनके घरों की पाइपलाइन काट दो, इनके बिजली कनेक्शन काट दो, और इनके सारे एसी उखाड़ के ले आओ। जिस प्रकार से दूसरों बोला करते भी एसी में दीक्षित रहती है, ये रहती है, वो रहती है, आज खुद ये केवल बैठ के एसी कमरों में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, और दिल्ली की जनता को कड़कती धूप में जो है पानी के लिए तरसा देते हैं। अभी भी जो है ना बीजेपी साजिश के तहत जो है उन्हें जो है जेल में बंद कराई रखी है। कौन कह रहा है साजिश? जिस कैग की रिपोर्ट को अरविंद केजरीवाल सत्ता में आने से पहले बताया करते थे कि कैग ने एडिट कर दिया है, कितना घोटाला हो गया, उतना घोटाला हो गया, उसी कैग की रिपोर्ट के आधार पर जो है सारी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। कैग ने स्वयं एडिट करा कि 2,000 करोड़ का फायदा अरविंद केजरीवाल और अमित पार्टी ने खुद को पहुंचाया है। ठीक है, इसके अलावा डीटीसी बस में घोटाला है, इसके अलावा जो दिल्ली के अंदर क्लासरूम जो स्कूलों में बनाए गए उसमें घोटाला है। ठीक है, बिजली में आप देखिए किस प्रकार से कटौती करी जा रही है। अभी जो दिल्ली के जो सातों ही लोग विधानसभा नहीं संसद की सीटें हारे हैं ना, उसके बाद उन्होंने दिल्ली की जनता से बदला लिया है, सारे बिजली बिल को जो है उन्होंने बढ़ा चढ़ा कर भेजा। तो ये क्या दिल्ली जनता कर रहे हैं? बदला कर रहे हैं आप? बिल्कुल बदला लिया इन्होंने। आप देखिए इस महीने का बिजली बिल देखिए किसका जीरो आया, सारा बदला लिया इन्होंने कि आपने हमको वोट नहीं दिया, अब ले लो हम क्या आपके साथ क्या करते हैं। ये तो शुक्र माने कि दिल्ली के अंदर दिल्ली पुलिस नहीं है इनके पास, अगर इनके पास दिल्ली पुलिस आ जाए तो मैं बता रहा हूँ ये लोग पूरी दिल्ली की जनता को सड़कों पर दौड़ा दौड़ा के मारेंगे अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी, क्योंकि इतने तानाशाही लोग हैं, इतने क्रूर लोग हैं, वहाँ पर कहीं सी न्यूज़ को बैन कर देते हैं, ये इतने क्रूर हैं अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी की, इनको जो है इनके खिलाफ और कोई आलोचना भी कर दे उसको सरेआम उठवा लेते हैं। मुझे तो अपने ऊपर भी लग रहा है कि भैया जिस दिन अगर मेरे को कुछ हो जाएगा ना इन सब विषयों के बोलने के बाद, तो मैं साफ सीधी बात कहूंगा इसके लिए जिम्मेदार आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल होंगे। इसके अलावा और कोई मेट्रो को तो वहाँ पर किसी और जिम्मेदारी हो सकती है, परंतु जब दिल्ली के विषय इन सब चीज़ों को कुछ होता है मेरे को तो केजरीवाल जिम्मेदार होंगे, क्योंकि इस प्रकार से जब उनकी सारी बुराई गिनाता हूँ तो मैंने देखा है कि भैया जो जम्मू का एक व्यक्ति था उसको उठवा लिया गया, सब लोग तंत्र के एक यूट्यूबर थे उनको उठवा लिया गया, जब इन्होंने पुलकित केजरीवाल किसी ने बात करी कि 10 लाख रुपए का करप्शन कर रहे हैं, सैलरी बांध लिए सरकारी, ठीक है, तो उस पर जब बोला तो भैया वहाँ से उस दूसरे यूट्यूबर को उठवा लिया, तो कुल मिलाकर केवल एक क्रूर करते हैं और दिल्ली की जनता को साथ ही देते हैं। आखिरकार इसे जो है सॉल्व कैसे किया जा सकता था कुछ सरकार? देखिए, सॉल्व कैसे किया जा सकता है, जिस प्रकार से उन्होंने कहते हैं हमारे पास एक केमिकल है प्रदूषण को ठीक कर सकते हैं, ठीक है, वो केमिकल कहाँ गया? वो कहाँ गए रिसर्च इंस्टीट्यूट्स? रिसर्च इंस्टीट्यूट से बात करो, ठीक है, और जो है इसको उसको सॉल्व करो, ठीक है। साथ ही जो है दिल्ली को लेकर पानी की व्यवस्था, तो पानी की व्यवस्था जो है पहले से पूरे साल करके रखो ना, सोच के रखो, पानी को टाइम पर जो है साफ करो, यमुना पहले यमुना को साफ करो तब जाके पानी भी साफ आ पाएगा, ठीक है। जहाँ तक बात है दिल्ली के अंदर कंजेशन की, तो मेट्रो को डीटीसी बसों को सबको जो है और दिल्ली की ट्रैफिक पुलिस को जो है रेगुलराइज करो, उनको जो है ठीक से हैंडल करो, ऑर्गेनाइज करो, तब जाके सारी समस्या सॉल्व हो पाएगी। ठीक है, तो फिलहाल इस वीडियो का यहीं पर समाप्त करते हैं। ये थे हमारे साथ युवा जो कि अपना बात रखे। फिलहाल इस वीडियो के बारे में आप लोगों का प्रतिक्रिया क्या है नीचे कमेंट में लिखते हुए जाएगा। मिलते किसी अन्य खास खबरों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।